शादी की पहली रात ही सर्वेश के दिल में वो डर बैठ गया था जिससे वो सालों तक नहीं उबर सकी। आज भी वो उस रात को सोचकर ही सहम जाती हैं जब उस नई नवेली दुल्हन को पति ने बेरहमी से पीटा। अगले 10 साल उनकी जिंदगी के सबसे स्याह दिन और रात थे जब उन्हें हर रोज मारा पीटा जाता, थप्पड़ मारे जाते, धक्के दिए जाते, डंडों से पिटाई होती, सामने पड़ी कोई भी चीज उन पर उठाकर फेंक दी जाती। उन्हें शारीरिक, पारिवारिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने वाली एक गुलाम की तरह रखा गया। 10 साल तक खामोश गुड़िया की तरह उन्होंने ये सब कुछ झेला और फिर जब सब्र का बांध टूटा तो उन्होंने अपनी असली ताकत को पहचाना। वो पहली रात आज भी डराती है। वो तो बहुत भयानक रात थी। कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ऐसा भी होगा। मैं तो सोचती थी कि शादी का मतलब होता है कि अच्छे अच्छे साड़ियाँ पहनना, बिंदी लिपस्टिक लगाना, मेकअप करना। लेकिन पहली रात को ही उन्होंने जो जिस तरीके से मेरे साथ, मतलब मैं आज उसे कह सकती हूँ कि मेरे साथ बलात्कार ही हुआ है। और ये समाज ने उनको ये अधिकार दिया है कि आप बलात्कार करने के। आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आई थी जहाँ पर एक बार लड़की की शादी हो जाती है तो उसके बाद अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा सहारा नहीं मिलता अगर आप कोई शिकायत करें, कुछ करें। आपने भी वो सब परेशानियाँ देखी, आपने शिकायत तो की होगी अपने पति की? उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि अगर झगड़ा करके आओगी तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। उनको अपनी बेटी की चिंता नहीं थी, उनको सिर्फ समाज और लोगों की चिंता थी। मैं सबके सामने रोई, मैं बोली कि ऐसा सा ये करते हैं तो कहते हैं किसी ने मेरे को किस्मत कहा, किसी ने कहा कि अब क्या करें तुम भाई, अब तो शादी कर दी हमने, भेज दिया जिम्मेदारियां। हाँ, अब छोटी छोटी बात पर अगर आप बात सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस बात पर भी पिटाई होती है जूतों और डंडों से। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं, एक बार दूध निकल गया था तो बस उसी बात को लेके सीधा लिया और जूता फेंक के मारा, दूध उफान गया। सिर्फ दूध उफान पर। अच्छा, ये और ऐसी कई बातें थी। एक बार पर तो ऐसे किया कि जैसे चोरों की पिटाई होती है कि मैं बाहर जाके एक कुछ सामान ले आई, बस उस सामान हमारे घर की बहू घर के पैर कैसे बाहर निकाले, मेरी एक नहीं सुनी और बस पिटाई करना, जब तक खून नहीं निकले, जब तक उसको नहीं आया। तो वो सोचते शायद मारना ही वो है, धर्म है उनका। हाय प्लीज नहीं। इज्जत, स्वाभिमान सब एकदम खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम एकदम बेकार चीज है, पड़ी हुई लकड़ी है। इसी के चलते आत्महत्या करने की कोशिश करी क्योंकि बहुत हो गया था। कई बार तो मैं बता नहीं सकती, वो सिगरेट से भी कई बार जला। हाँ, एक इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ और उस घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरे को सोचने पे मजबूर कर दिया। एक छोटी सी बात थी कि मैं सफाई कर रही थी, कूड़ा मेरे छत से नीचे पड़ोसी के घर पे जाके गिर गया, किसी के हाथ पे जाके। वो लड़ने आया, मैंने कहा भाई साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने ये नहीं सुना और कहते तेरे को उठा के फेंक दूंगा। तुझे उठा के फेंक दूंगा ने मेरे को मतलब हिला दिया। और उसके बाद मैंने कहा तू हाथ लगा, पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, मैंने कहा तू हाथ लगा कर देख। मेरा पति घर पे बैठा हुआ था, वो कुछ नहीं बोला। आपके सामने ऐसा कोई बाहर का व्यक्ति बोल गया और आप कुछ नहीं बोल रहे हो। तो इसी बात को लेके मेरे को, मैं बिल्कुल जैसे एक ज्वालामुखी फटता है, शायद 9-10 साल का ये था कि। और उसके बाद मैंने अपना सोचा, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी इतना नहीं थी, 11 पास मेरी शादी हो गई थी। फिर मैंने धीरे धीरे स्टिचिंग और ये एक साड़ी में फॉल लगाना शुरू करा। पहली साड़ी में फॉल लगाया, मुझे 5 रुपये मिले। उस 5 रुपये ने मुझे इतना मेरे को आत्मविश्वास दिया कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो फिर धीरे धीरे ब्यूटिशियन का काम, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, ब्यूटिशियन का काम सीखा। पति को छोड़ने का फैसला कब किया? उसी घटना ने, मैंने कहा नहीं नहीं पति छोड़ दिया। नहीं, तुरंत नहीं छोड़ा, उसके 2 साल तक ये लगा। मेरे पड़ोस में एक लेडी रहती थी, IP कॉलेज की लेक्चरर,
उसने मुझे सहेली का पता दिया था और मैं वो मेरे को देखती थी ये निशान है ये है, लेकिन उनसे जब प्यार मिला तो मुझे धीरे धीरे खुलना तो उन्होंने मुझे सहेली का पता बताया और सहेली में मुझे शेल्टर दिया। एक बात बताइए, कभी कभी ये भी लगता है कि ये 10 साल भी क्यों बर्बाद किए एक ऐसे आदमी के साथ जिसने मेरी इज्जत नहीं की? देखिए कहना बहुत मुश्किल है, जब कोई लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, पैरों पर खड़ी नहीं है, वो जाएगी तो जाएगी कहाँ? घर छोड़ती है तो बाहर, आप जानती हैं कि अकेली अगर कोई लड़की होगी किस तरीके से उसको मींस नोचने लगेंगे लोग। मैं सच कह रही हूँ, मैं जब घर छोड़ने से पहले मैंने ये सोचा देखा जाएगा जो होगा, मेरी जिंदगी तो यहाँ भी नरक है, अगर वहाँ भी देखा जाएगा। उधर देखिए। नमस्ते सर्वेश जी, मुझे याद है जब मैं आपको रात का खाना शुरू में जब रात का खाना खाने को कहती थी आप मना करती थी कि नहीं बेबी मैं एक टाइम का ही खाना खाती हूँ, रात में खाना नहीं खाती हूँ। मेरे पूछने पे आपने बताया कि जब आप ब्यूटिशियन का काम करती थी तो सारे दिन में इतना ही कमा पाती थी कि एक दिन का खाना, एक टाइम का खाना आप खा सकती थी। मेरी रोल मॉडल आप पहले भी थी, आज भी हैं, और सिर्फ मेरी नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आप बहुतों के लिए रोल मॉडल हैं। फोटोग्राफर बनने का कैसे सोचा? फोटोग्राफर तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। एक किसी ने मेरे को कैमरा हाथ में दिया, ये गिफ्ट दिया, तो उस कैमरे को लेकर जो मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखी। उससे पहले जिस दिन मेरे कैमरा हाथ में आया उस दिन सबसे पहले बाल कटवाए, क्योंकि मुझे बाल कटवाने का बहुत शौक था, तो फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस कैमरे के लिए मैंने जितना स्ट्रगल किया है और उसके बाद लोगों ने जो मेरे को पहचाना है मेरे काम को, तो उस काम को लेकर मेरे को लोग कहते थे अच्छा अच्छा ये रघुराई की तरह है, तो मेरे को अंदर से इतनी खुशी मिलती थी कि जब ये लोग कहते हैं। पहली बार मेरा नाम छपा था अखबार में तो मैं कहती अपने पास रखती थी और सबको दिखाती थी, देखो देखो मेरा अखबार में नाम छपा है। फिर तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने ग्रेजुएशन किया, शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता, फिर मैं 10,000 की हाइट तक अपने 2-व्हीलर से गई, कन्याकुमारी तक गई हूँ, और कारगिल वॉर में मैंने फ़ोटो खींची, उसमें मेरी 100 से ज़्यादा फ़ोटो पब्लिश हुई है। बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि हर कोई आपकी ज़िंदगी से ये सीख ज़रूर ले और कभी भी ये ना सोचे कि अगर हम कम पढ़े लिखे हैं या हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हमें मजबूरी है, एक कैद में जीते रहना है, अपने पति की मार सहते रहना है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप चाहेंगे तो घर से बाहर निकल कर भी बहुत सारे रास्ते आपको मिल सकते हैं। आपकी तस्वीरों में आपकी ज़िंदगी बसती है। मेरे पास 3 लाख पिक्चर्स है और अभी तो मौके की तलाश कर रही हूँ कि मैं जहाँ अपना काम और दिखा सकूँ। एज ए फ्रीलांसर मैं कारगिल वॉर में गई, वो एक अलग बात थी, रिस्क था कि काम ये था। अवार्ड भी मिला था जी मुझे, मैं एक ही महिला फोटोग्राफर थी जिसको अवार्ड मिला था। आखिर मैं क्या कहना चाहती हैं हर उस महिला से जो शायद आज भी कैद में जी रही होगी और आपको देख रही होगी? मुझे लगता है कि खुद को हम नहीं पहचानते या हमें इतना दबा दिया जाता है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, तो उसको खुद को पहचाने कि हम क्यों सहें। एक बार अब अपने आप से तो प्यार करो। मैं अब अपने आप से सबसे ज़्यादा ये करती हूँ, मेरे को अगर कोई कुछ बोल दे अब इस समय तो मुझे लगता है कि क्यों मैं क्यों बेइज्जती सहूँ, तो इसीलिए मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। चलिए सवेश जी, और आप सारी दुनिया की तस्वीरें खींचते हैं, जिंदगी लाइफ की तरफ से हम आपके लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। चलिए आज अपनी हर मेहमान से बात करके एक बात हमें साफ समझ आ रही है कि घर में हो रही हिंसा की शिकार महिला को सहारे की जरूरत होती है, एक आश्वासन की जरूरत होती है, एक दिलासे की जरूरत होती है कि सब कुछ ठीक हो सकता है अगर वो चाहे तो। आज के बाद आपको ऐसी किसी महिला की चीख सुनाई दे तो उसका निजी मामला कहकर मुंह मत फेरिएगा, बेल बजाइएगा, शायद आप किसी की जिंदगी बचा सके। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? How dare you? क्या किया मैंने? क्या किया? इस सास से इस तरह से बात करती हो? What do you think of yourself? मेरी क्या गलती है? Shut up! Shut up! गलती अब मैं करता हूँ। झूठ बोलने की आदत पड़ गई है तुमको। Just because I don't say anything, तुमको बस एक ही भाषा समझ में आएगी, एक ही। एक और बार अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुम। एक
फोन कर सकता हूं? हेलो जी, हाँ मैंने ही फोन किया था। घरेलू हिंसा को रोको।